हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व के उपलक्ष्य पर होम गार्ड्स की 10वीं वाहिनी हमीरपुर के बैंड दस्ते ने गांधी चौक पर बैंड डिस्प्ले का आयोजन किया। 10वीं वाहिनी के कमांडेंट सुशील कुमार ने बताया कि इस डिस्प्ले के दौरान होम गार्ड्स के दस्ते ने हिंदी, पहाड़ी, पंजाबी तथा देशभक्ति के गीतों से लोगों का मनोरंजन किया और खूबसूरत स्वर लहरियों के साथ स्वर्णिम हिमाचल समारोह के समापन अवसर को यादगार बनाया गया। इस अवसर पर उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने बताया कि पूर्ण राज्यत्व दिवस व स्वर्णिम हिमाचल के उपलक्ष्य पर हमने सारा साल कोविड के बावजूद बहुत सी गतिविधियां की तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को जोड़ने का कार्यक्रम किया गया। हम सबको पता है कि आज 25 जनवरी है, हिमाचल का पूर्ण राज्यत्व दिवस है, स्टेटहुड डे है और पिछले एक वर्ष से हम स्वर्णिम हिमाचल की उपलक्ष्य में पूरा साल हमने अलग अलग गतिविधियां जो हैं वो करी। कोविड में जितना हो सका, कोविड के बावजूद जो है काफ़ी एक्टिविटीज़ की गई अलग अलग तरीके से, कई कुछ वर्चुअल भी हुई। अलग विभागों के जितने अवेयरनेस कैंप्स हैं, स्कीम्स हैं, उनके अलग से प्रोग्राम्स किए गए। जितने हमारे लोग हैं सरकारी स्कीम्स के उपभोक्ता हैं, लाभार्थी हैं, उनको और ज़्यादा अपने कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का जो है कार्य किया गया। इस पूरे स्वर्णिम हिमाचल के वर्ष की जो सेलिब्रेशंस हैं उसका एक विधिवत जो है स्वर्णिम हिमाचल वर्ष का जो अंत है उसको मार्क करने के लिए आज सभी जिलाओं में और हमारे हमीरपुर जिला में भी होम गार्ड की जो टीम है उनकी जो बैंड है उसका बैंड डिस्प्ले का आयोजन है वो गांधी चौक पे किया गया, जो एक ऐतिहासिक जगह है हमीरपुर टाउन की। और उसी के चलते इनका जो बैंड डिस्प्ले हमने सुना, जिसमें अलग अलग गीत जो उन्होंने देशभक्ति के और हिमाचली धुन जो है उसको बजाए और आसपास के लोग भी उसको उन्होंने आनंद लिया। हम देख रहे थे कि बहुत सारे जो लोग मार्केट में आए थे या शॉपकीपर थे या और भी स्थानीय लोग थे वो भी उससे जुड़े और उन्होंने इस चीज़ का आनंद लिया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट। मैं एडवोकेट रोहित कुमार शर्मा, सदस्य हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर आज हिमाचल प्रदेश के तमाम प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में सीमित संसाधनों के और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों ने इकट्ठे मिलकर काम करके आज हिमाचल प्रदेश को अग्रणी प्रदेश बनाया है। इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को बधाई भी देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी युवाओं से अपील करता हूं कि नशे से दूर रहें और नशे में संलिप्त लोगों की जानकारी प्रशासन को दें और प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें। जय हिंद, जय हिमाचल।